वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। आज आप लोगों को मैं डे से लेकर नाइट तक की जो भी परफॉर्मेंस होगी उन सब चीजों से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। और आज हमारा डे में थोड़ा जल्दी काम था आज, क्योंकि राम बारात है, तो इसी वजह से मैंने डे में स्टार्ट किया ब्लॉग बनाना। और फिर मिलते हैं आप लोगों को, सभी आर्टिस्टों से मिलाते हैं। इसी तरीके से बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। जय श्री राम। डे का मेकअप चल रहा है यहाँ पे, और उधर रेडी हो रही है हमारी सीता माता, और ये सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। बहुत ही प्यारे मेकअप आर्टिस्ट हैं ये लोग, बहुत अच्छे से मेकअप करते हैं। और कितने टाइम से आप लोग मेकअप कर रहे हो? 6-7 साल हो गए मेकअप करते हुए। 6-7 साल हो गए मेकअप करते हुए, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि रामलीला का हम वेट करते हैं कि 10 दिन मतलब कलाकारों के साथ मेकअप करना, बातें करना, हंसना बोलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं आप उनसे? बहुत प्यारे, इतने अच्छे लोग, इतने प्यारे लोग, बहुत हर तरीके से ख्याल रखते हैं हमारा, खाने पीने से लेके हर तरीके से इतने पोलाइटली बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये सब आप ही के साथ ही लोग हैं? बिल्कुल ये इन्हीं के साथ ही हमारी जी। ओके, और ये पारुल जी, तो ये भी आप ही के साथ काम करते हैं? हमारे हम तीनों साथ में काम करते हैं। अच्छा, बहुत प्यारा मेकअप करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए फिर इसी तरीके से मिलते हैं आप लोगों से। ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये हमारी सीता माता हैं, अभी रेडी हो रही है। तो सीता माता जी जय श्री राम। अभी आपको कितना समय लगेगा रेडी होने में? ओके ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। राम बारात, और राम बारात में चल रही थी सबका तिलक, राम सीता भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सभी एक साथ यहाँ पधारे हुए थे, राजा दशरथ जी। तो आज राम बारात थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक आकर्षित हुए हैं। राम जी को लगाया जा रहा है यहाँ पे भोग। और अभी सीता माता को भी लगाया जाएगा भोग। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी को लगा दिया भोग। ये राजा दशरथ जी को भोग लगाया जाए। हम लोग परफॉर्मेंस करके आ चुके अपनी, और अभी हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी। समय नहीं मिल पाया ब्लॉग बनाने का, क्योंकि म्यूज़िक मेरे फ़ोन से ही चलता है इस वजह से। तो चलिए फिर इसी तरीके से मिलते हैं आप लोगों से। अभी डे में हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो हो चुकी है, और ये दोनों पीछे थी ये। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके से। हो चुकी है रात, और रात का भी मेकअप स्टार्ट हो चुका है इन लोगों का, ये देखिए। अब नाइट में भी जो है हम लोग रामलीला करेंगे, नाइट में हम लोग अब तैयार होने जा रहे हैं। सब लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मेकअप चल रहे हैं। और यहाँ पे इनका मेकअप चल रहा है।
और कुछ लोग मेकअप कराने के लिए बैठे हुए हैं लाइन। तो चलिए फिर, बताओ ना। नहीं नहीं बताओ, नहीं मैं ब्लॉग नहीं बना रहा। हेलो, ये लो पिन तुम्हारी दो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैन आया हुआ है, ये देखो भाई, देख रहे हो, ये देखो, ये उनको गाइड कर रहे हैं उधर से। मतलब सीता जी आज जो है ना वो मेकअप कर रही हैं, देख रहे हो, सीता जी मेकअप कर रही हैं। खुद का मेकअप हुआ नहीं अभी तक सीता माता का, लेकिन सीता माता दूसरों का मेकअप कर रही हैं। ये चीज़ तो बनती थी ब्लॉग में लाना। आगे बढ़ना है तो ये करना होगा। इसकी मुझे गाइड करो, मेकअप से मुझे ढको इसकी। नहीं ज़्यादा वो नहीं, तो इसको हाईलाइट कर देना मुझे। अरे आप ब्लॉग के साथ दोबारा वापस, और देखिए मैं किस तरीके से तैयार हुआ हूँ। और मैंने आज अपनी रामसूति की थी, अभी रामसूति परफॉर्मेंस करके आया हूँ मैं। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग देखिए, मैं आपको अपना लुक दिखाता हूँ। प्रजावासी सब लोग प्रजावासी बन के बैठे हो, ये सारे के सारे प्रजावासी है। ये देखिए भाई, भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं ये लोग। क्या 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 गाओ 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 ये सब प्रजावासी बने हुए हैं। क्या कह रहे हैं भाई, प्रजावासी बने हुए इधर, ये लोग कुछ लोग प्रजावासी बने हुए इधर। और चलिए अब आप लोगों को मिलवाते हैं सोमवार। ठीक है मंत्रा, तू जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगा। परंतु रानी, एक बात का ध्यान जरूर रखना। बोल कहा होगा, क्यों बुला रही मोए? अरे मैं तुम्हें जी में कह रही थी वो बात में ये कह रही थी कि आज पकौड़े खाने चलेंगे दोनों मिलके, ठीक है ना? हाँ ये हाँ खा लेंगे फिर चटनी खाए, चटनी के साथ। हाँ ये प्लेट लोटा ये सब इसीलिए तो लेके बैठी हूँ। हाँ अरे अरे कहाँ बात हो रही, तुम मेरे को भी बता दे, मैं अभी आ गई तुम्हारी गैल में। क्या समोसे खाओगे, खिला दे इसको। ओ भाई मैं भी खाऊंगा समोसे। अरे भाई, ओ भैया तुम कहाँ से आए? भाई वहाँ चले गए बाहर लेने के लिए समोसे। अब मुझे पता है भाई तुम वही समोसे खाओगे। अरे समोसों की बात हो रही है, जलेबियों की भी बात। अरे यार जलेबी तो मेरे को खानी है, तुम्हें पहले बोल जाता मैंने। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ यार, जलेबी कौन खाएगा। अरे सुनो सुनो, तुम्हारे लिए मैंने लड्डू रखे हुए हैं, तुम्हारे लिए मैंने रसगुल्ले रखे हुए हैं, और तुम्हारे लिए मैंने जलेबी रखी है। अरे यार मुझे ये बताओ कि समोसे कौन खाने जा रहे हैं। दशरथ का संवाद। कई मांगते हो अपने दो वरदान। So long.
कैकेयी माता ने अपने वरदान मांग लिए हैं दो। बनवास हो गया है। दो वरदान दिए थे, पहले वरदान में उन्होंने हमारे भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा और दूसरे वरदान में मेरे लिए केवल 14 वर्षों का वनवास। पिता आज्ञा से मुझको वन जाना जरूरी है। सुबह से जो निकला उसे निभाना जरूरी है। यदि वचन के कारण आपका वनों में जाना जरूरी है तो सीता के लिए यहाँ रहने की नहीं कोई मजबूरी है। तुम यू क्या ना करो, वन के बच्चो यहीं पर रहकर नहीं जाना बाहर। पत्नी का सुख क्या हुआ? तो पति के ही चरणों में होता है। आपके तो मुझे स्वर्ग में भी सुख की कामना है। तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मैं तुमसे पूछती हूँ, मैं जीऊं या अपने प्राण कहूँ? एक और रानी से जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लग रही हैं, इनके मुख से ही पूछते हैं कि ये कौन सी रानी है। जी मैं वो रानी हूँ जिसके कारण ये रामायण होती है। मैं ही हूँ केकई। ओ माय गॉड, आप ही हैं केकई। मतलब आप ही की वजह से 14 साल का राम जी को वनवास हुआ था। मतलब आप ही के दो वरदानों की वजह से। देखिए ये कैरेक्टर है केकई का, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर कर रही हैं ये।
इनका कैरेक्टर मैंने ब्लॉग में मेंशन कर रखा है, लेकिन मैं इनको पर्सनली इसलिए मिलाना चाहता था कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैरेक्टर निभाना आसान है या मुश्किल है वो इनसे खुद ही जानते हैं। तो कैसा लगा आपको? देखिए, केके का कैरेक्टर अपने आप में ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। जी, क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें हर तरह के एक्सप्रेशन है। जी, अगर आप डांस की थोड़ी सी भी ज्ञान रखते हैं, जी, नवरस जिसे कहते हैं, नौ के नौ रस इसमें देखने को मिलते। जी, इसलिए ये कैरेक्टर मुझे बहुत प्यारा है। देखिए भाई, ये जो बता रही है ना, मतलब बोलने से ही पता चल रहा है कि इनका जो कैरेक्टर वो कैसा होगा और किस तरीके से उस टाइम पे जो उन्होंने निभाया होगा, जिस तरीके से वो जो माता थी उन्होंने मतलब कैरेक्टर किया था, लेकिन वो रियल माता थी। ये भी यहाँ पे रियल माता हैं, केकई माता बनी हुई हैं। और ये दिखाना चाहता हूँ आप लोग, कितना सुंदर ड्रेसअप है इनका, देखिए किस तरीके से तैयार हैं। तो आप कितने टाइम से ये केकई का कैरेक्टर कर रहे हैं? ये मेरा सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम है, ओके। और इससे पहले आपने कहाँ किया था? इससे पहले मैंने प्रीतमपुरा में किया था। प्रीतमपुरा में, ओके जी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने कैरेक्टर किया है, स्टेज पे इन लोगों ने परफॉर्म किया है। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे एक्टरों से मिलके, ऐसे आर्टिस्टों से मिलके, जो हमें थोड़ी सी सहानुभूति मतलब जो कि ज़रूरी है हम लोगों को देनी, और इन लोगों से ही पता करते हैं हम लोग कि हाँ भाई अच्छा एक्टर और अच्छे एक्सप्रेशन जो हमारा सीनियर आर्टिस्ट होता है उनसे ही हमें सब कुछ पता चलता है। चलिए फिर इसी तरीके से मिलेंगे आप लोगों से। जय श्री राम। हो गया पैकअप और नींद ना पूरी होने की वजह से मेरी आंखें लाल हो गई हैं, सूज गई मेरी आंखें नींद ना पूरी होने की वजह से, ये देखो। और सब लोग पैकअप करके बैठे हुए हैं, बस हम लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसी गाड़ी आ जाएगी हम सब लोग चले जाएंगे। चलिए फिर इसी तरीके से बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। और हाँ, हर बार मेरा ब्लॉग देखते हैं ना तो कमेंट एंड सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं, जय श्री राम।